ये तो समाजवादी पार्टी का शुरू से ये रहा है कि भाई वंशवाद चलाए हैं और पिताजी के जगह उन राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा तो उनके लड़के होंगे, वो लोकल है बिल्कुल वहाँ का, और इनका जो है अस्तित्व जो है इन दोनों बाप बेटे की वजह से गड़बड़ हो चुका है, कारण ये है। दिनेश लाल यादव फिलहाल बीजेपी से हैं तो बीजेपी का भाई वर्चस्व से समय बढ़िया है, तो उम्मीद है कि दिनेश लाल यादव ही निकले। काम मोदी जी काम अच्छा कर रहे हैं कि इस वजह से निरहुआ की राधा है, जब लहर अच्छी है तो काम भी अच्छा कर रहे हैं। निरहुआ बाजी मारेगा सर, वो तो खुलेआम दिख रहा है, क्योंकि अखिलेश ने कुछ किया नहीं। अखिलेश कन्नौज से भी आ रहेंगे, पहले भी आ रहे थे, हम प्रॉपर कन्नौज के रहने वाले हैं। अब की निरहुआ ही जो है नंबर मारेगा आजमगढ़ का, इसमें दो राय नहीं है और ये क्लियर बात है। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ कविता राणा। पूर्वांचल की आजमगढ़ लोकसभा सीट पर इस बार जबरदस्त मुकाबला देखने को मिलेगा, जिसकी सबसे बड़ी वजह है अखिलेश यादव और दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ की टक्कर। एक तरफ अखिलेश के सामने पिता मुलायम की सीट जीतकर पार्टी के साथ ही मुलायम की इज्जत बचाने की चुनौती होगी, तो वहीं दूसरी तरफ खुद के संघर्ष और मेहनत से सुपरस्टार बने निरहुआ पर आजमगढ़ में कमल खिलाने की जिम्मेदारी होगी। आजमगढ़ के कुरुक्षेत्र में जब दो सूरमा टकराएंगे तो कौन मारेगा बाजी, देखिए जनता की बेबाक राय। किसको जिताना चाहती है राजधानी लखनऊ की जनता, जनार्दन? देखिए आजमगढ़ की जहाँ तक बात है तो मुझे लगता है कि वहाँ की जनता परिवर्तन चाहती है, वहाँ वंशवाद को लोग किनारा कर रहे हैं। और आपने सही कहा कि पिता का बेटा, तो ये तो समाजवादी पार्टी का शुरू से ये रहा है कि भाई वंशवाद चलाए हैं और पिताजी के जगह उन राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा तो उनके लड़के होंगे, फिर उनके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा तो अखिलेश का लड़का होगा। तो ऐसे लोगों को जनता इस लोकतंत्र में नकारने जा रही है और एक स्टार को अपने दम पे जगह बनाने वाले को इस बार जनता मौका देने जा रही है। वहाँ से दिनेश लाल यादव परचम लहराएंगे भाजपा का, और इंतज़ार करिए 23 मई को आपको शुभ समाचार देगी भारतीय जनता पार्टी। पूर्वांचल का बेटा निरहुआ, कैसे? उसका कारण है क्योंकि उनको लोकल, वो लोकल है बिल्कुल वहाँ का, और इनका जो है अस्तित्व जो है इन दोनों बाप बेटे की वजह से गड़बड़ हो चुका है, कारण ये है। भाजपा की तो सरकार तो भाजपा की बननी, केंद्र में सीटों का हेर फेर भले ही हो जाए लेकिन सरकार तो भाजपा की बनेगी। कैसे का मतलब कि अब देखिए अगर मुलायम यादव अगर रहते तो उम्मीद की जा सकती थी, लेकिन अब अखिलेश हैं तो अब संभवतः उम्मीद कम लग रही है। दिनेश लाल यादव फिलहाल बीजेपी से हैं तो बीजेपी का भाई वर्चस्व से समय बढ़िया है, तो उम्मीद है कि दिनेश लाल यादव ही निकले। निरहुआ, कैसे? कि काम मोदी जी काम अच्छा कर रहे हैं कि इस वजह से निरहुआ की राधा है, जब लहर अच्छी है तो काम भी अच्छा कर रहे हैं, तो ये निरहुआ इरादा है जीतने का। निरहुआ बाजी मारेगा सर, वो तो खुलेआम दिख रहा है, क्योंकि अखिलेश ने कुछ किया नहीं। अखिलेश कन्नौज से भी आ रहेंगे, पहले भी आ रहे थे, हम प्रॉपर कन्नौज के रहने वाले हैं। पहले अखिलेश यादव कन्नौज से हारे थे, लेकिन राजनाथ सिंह जी ने सबने मिल जोड़ के अखिलेश स्वयं वहाँ गए, जिस दिन मतदान गणना हुई अखिलेश ने स्वयं जाके वहाँ अब पूरा ये कहा मेरी इज्जत बचा दो, इस बार सीट इन्होंने ले ली थी। कन्नौज से सुब्रत पाठक जी जीत रहे थे, अब की बार फिर सुब्रत पाठक जी खड़े हुए हैं, वो ही जीतेंगे। आजमगढ़ में क्या लगता है, कहीं ना कहीं देखा जाए आजमगढ़ में मुस्लिम भी सबसे ज्यादा है। आजमगढ़ में हम ड्राइवर आदमी हैं, सब जगह घूमते हैं, आजमगढ़ में आप देख लेना 100% निरहुआ जीतेगा। इनकी पोजीशन बहुत खराब है, ये टोंटी लेके मंच पे खड़े हो रहे हैं, ये इनके लिए बहुत शर्मिंदगी की बात है सर। ये जो है ऐसे मुख्यमंत्री को बयान नहीं, इन्होंने टोंटी निकलवाई भी थी तो ये टोंटी लेके मंच पे ना जाते, इससे बहुत इनकी इमेज को फर्क पड़ रहा है। और हम यादव लोगों में बैठते हैं तो वो ये कहते हैं कि ये जब पिता का साथ नहीं दे रहे हैं तो ये किसी का साथ नहीं दे पाएंगे, इसलिए जो है ये हारेंगे, बहुत बुरा हारेंगे ये इलेक्शन। आजकल जो है ऐसा हमको माहौल लग रहा है कि निर्वांचल का बेटा ही जो है निरहुआ जीतेगा, क्योंकि जो है पहले की देखते हुए आपके देखते हुए अखिलेश में उसमें बड़ा भारी पड़ताव आ गया है, क्योंकि पहले अखिलेश की पार्टी में वो रह चुका है, इसलिए जो है हो सकता है कि जो है अखिलेश बहुत पीछे रहेंगे। मान्य अखिलेश यादव जीतेंगे,
इसलिए कि वो राष्ट्रीय पार्टी के नेता हैं और अच्छे पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं और उनके जीतने से बहुत बम्पर विकास होगा क्षेत्र का। वो क्या जीतेगा नचनिया रामेबाज आदमी अपने साथ जीतेंगे। निरहुआ कहाँ पहली बार खड़े हुए, निरहुआ कहाँ जीत जाएंगे, वो फिल्म के सुपर स्टार है ना। तो कहीं ना कहीं देखी जाए उनकी फैन फॉलोइंग बहुत अच्छी है। नहीं पहली बार नहीं जीत पाएंगे, अखिलेश यादव ही निकलेंगे वहाँ से। मुझे लग रहा है कि मतलब रुचि तो जो बीजेपी में ही ज़्यादातर है और जो है अखिलेश को लेकर तो अगर देखा जाए तो अखिलेश उतना ज़्यादा मतलब पॉपुलर में नहीं है क्योंकि इस टाइम जो है सभी की रुचि जो है बीजेपी को ही जिताने में ही है। अच्छा तो क्या लगता है कि आजमगढ़ से इस बार कौन बाजी मारेगा? आजमगढ़ से मुझे तो लग रहा है कि शायद अखिलेश यादव ही मारेंगे बाजी। निरहुआ के जीतने की उम्मीद ज़्यादा है क्योंकि भाजपा की इस टाइम लहर भी है और उन्होंने काम भी कराया है, काम किया है, जमीनी स्तर पर काम किया है और वो नीचे स्तर पर जुड़े हैं, लोगों से काम कराते हैं, समस्याओं को सुनते हैं। और जितने भी हम तो लखनऊ में रहने वाले हैं, हम तो किसी भी कार्य के लिए किसी भी मंत्री के पास जाते हैं तो मेरा काम मना नहीं करते, चाहे देर हो जाए। भाजपा की लहर है, हम तो चाहते हैं भाजपा फिर जाए। पूर्वांचल का बेटा निरहुआ कैसे? बीजेपी अच्छा काम कर रही है, अभी तक जो किया अच्छा किया है और जो भी करेगी अच्छा करेगी। सवाल पिछले चुनाव में उनके भाई साहब घूम घूम के गांव में खाट चौपाल कर रहे थे। देखिए क्या है, मैं एक दिन गलती से खाना खाते समय और उनका भाषण सुनने लगा तो किसी भी कॉमेडी शो में उतनी हंसी नहीं आती है जितना उनका बात सुन के हंसी आती है। और हंसते हंसते मेरा खाना अटक गया, मैं उस दिन से उनको सुनना कम से कम खाते समय सुनना बंद कर दिया। जी बिल्कुल, और उनकी वो गलती नहीं है, प्रॉब्लम कहाँ होती है आज तक तो कोई पकड़ ही नहीं पाया। मैं बताता हूँ वो फंसते कहाँ हैं, वो सोचते हैं अंग्रेज़ी में और बोलते हैं हिंदी में। आप उनको खाली ये बात किसी कोई जाके उनसे पूछे, राहुल जी से, राहुल गांधी जी से कोई भी पूछे कि आप ये ऐसा फंबल करते क्यों हैं, आप ये गलती करते क्यों हैं, तो वो आपको नहीं अगर बताएं तो आप उनको बताइएगा कि आप ना सोचते हैं अंग्रेजी में और बोलते हैं हिंदी में, यही फंस जाते हैं। जिस दिन हिंदी में सोचना शुरू कर देंगे उनको कोई गलती नहीं होगी और वो फंबल मारना बंद कर देंगे। मतलब जिस दिन हिंदी में सोचना और हिंदी में बोलना शुरू कर देंगे देश की जनता स्वीकार लेगी? देश की जनता तब स्वीकारेगी ना आपको जब आप समझ पाएंगे। आप सोच रहे हैं कहीं और के जो कल्चर के हिसाब से और आप चाहते हैं कि बात करें हिंदुस्तान के कल्चर के बारे में, तो वो कैसे संभव है, होगा ही नहीं। जी देखिए, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, श्रीमती सुश्री मायावती जी, श्रीमती नहीं बोलना चाहिए उनको, सुश्री मायावती जी बहन जी दलितों के नाम पर राजनीति करती हैं, बहुत अच्छी बात है। बाबा साहब ने कहा था संगठित बनो, शिक्षित बनो, संघर्ष करो, उन्होंने संगठन बनाया, बहुत अच्छा किया, खुद शिक्षित हुई और अब संघर्ष करने के बजाय उनका शोषण कर रही हैं, ये गलत है। संघर्ष करने को कहा था बाबा साहब ने, शोषण करने को नहीं कहा था। उन दलितों का आपने संगठन बनाया, दलितों के संगठन के ताकत पे आपको 38 सीटें मिली उत्तर प्रदेश में और उन 38 सीटों का उन्होंने क्या किया? उन दलितों को देना चाहिए था ना, जिन दलित के नाम पे आपको सीट मिली थी, उनके ताकत पे मिली थी, उनको आपने दिया नहीं। उन 38 सीटों का क्या किया आपने? और वही आप देश का भी करेंगे, ये भी समझती है जनता? तो हम किसी ऐसे व्यक्ति को अपने देश का प्रधानमंत्री बना ही नहीं सकते ना। अगर ऐसा हुआ तो हमारा देश ही बर्बाद हो जाएगा और हम ऐसा होने नहीं देंगे। हम जानते हैं और देश की जनता जानती है कि श्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनके इस देश को बहुत सही तरीके से चला रहे हैं, ताकत के साथ चला रहे हैं और बहुत सही दिशा में लेके जा रहे हैं। तो हम उनको ही फिर से प्रधानमंत्री बनाएंगे और कोई नहीं बनने वाला, ये पूरा देश तैयार है। वाराणसी से और कोई पार्टी अभी तक प्रत्याशी घोषित नहीं कर पाई है जी, अगल बगल के जिलों में प्रत्याशी सारे पार्टियों के लगभग घोषित हो गए हैं, कुछ ही बचे हैं, ऐसे में क्या लगता है पार्टियाँ डर रही हैं या क्या कारण है? देखिए क्या है, सभी पार्टियों की अपनी अपनी नीति होती है और वो अपनी नीति के हिसाब से चलते हैं। अब उनका क्या नीति है, उनकी योजना क्या है, अब तो वही जानते होंगे वो क्या सोच रहे हैं। मुझे लगता है कि उनको हक भी है, हर पार्टी को अपने अपने हिसाब से स्ट्रेटजी बनाने की का हक है और वो बना रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है। कोई चुनौती नहीं है आजमगढ़ में, क्या चुनौती है? आजमगढ़ जो है वो मेरा घर है, गाजीपुर आजमगढ़ आपको जैसा पता है,
और मैं जब भी कोई फिल्म बनाया हूँ तो आजमगढ़ में ही बनाया हूँ। आजमगढ़ को बहुत करीब से जानता हूँ, मैं गाजीपुर में पैदा हुआ हूँ। और पूर्वांचल की जो भी समस्याएं हैं, जो भी चीज़ें हैं, उनको मैं बहुत बेहतर तरीके से जानता हूँ, क्योंकि मैं किसान का बेटा हूँ, किसान के घर में पैदा हुआ हूँ। बाकी लोग हो सकता है कि वो बहुत बड़े बड़े घर में पैदा हुए हों, बड़े राजा के घर में पैदा हुए हों, और आज वो आजमगढ़ में आए हों आजमगढ़ का दुख दर्द समझने के लिए। पर उस दुख दर्द को वो समझ पाएगा जो वहाँ पैदा हुआ है, वहाँ खेती किया है, गृहस्थी किया है, उसको मालूम होगा। मैं जानता हूँ बहुत अच्छी तरीके से कि वहाँ की मूल जो समस्याएं हैं वो है क्या। मैं खेतों में पानी भराया हूँ, मैं जब खेत में बिया पता चल कि सूखा था तो कैसे उनमें पानी भर भर के उनके जियावे के, वो हमके मालूम है। सिंचाई का कितना ज़रूरत बा वो हमके मालूम है, और उससे कैसे लोग जूझत हूँ वो हमके पता है। जो जो भी समस्या, चाहे वो रोजगार की समस्या, जो भी समस्याएं हैं, सब मेरे नॉलेज में है, मैं समझता हूँ। इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात है आज चुनाव में, वो बात ये है कि एक तो ये चुनाव लड़ा जा रहा है, एक तरफ गठबंधन है जो निजी स्वार्थों के लिए चुनाव लड़ रहा है, और एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है जिसके श्री नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, जो देश के लिए लड़ रहे हैं। अब आप लोगों को डिसाइड करने में कोई परेशानी होगी ही नहीं कि हमको जाना कहाँ है। हमें उन स्वार्थी लोगों के साथ थोड़े जाना है जो हमें जाति के नाम पे, हमें क्षेत्र के नाम पे इकट्ठा करके और उसका खुद लाभ उठा रहे हैं, और हमें जो है उसका कोई लाभ नहीं मिलता। हम जो है उस व्यक्ति के साथ हैं जो व्यक्ति देश के हित में सोचता है, अपना पूरा जीवन जो व्यक्ति देश के लिए न्यौछावर कर रखा है, जिन्होंने दुनिया में भारत को इसने मजबूती से प्रेजेंट किया है, पूरी दुनिया देख रही है कि वाह आज भारत कहां से कहां पहुंचा है, उसकी ताकत को देखो। आज भारत की तरफ कोई आंख उठा के देख ले, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाइना हो, किसी की हिम्मत नहीं है कि आंख उठा के देखे। तो बात यह है कि एक तरफ है वो जो देश के साथ खड़ा है, और एक तरफ वो लोग हैं जो गठबंधन बना के उसके विरोध में निजी स्वार्थ में खड़े हैं।